हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे मैनफ्रोटो का एक प्रोडक्ट जिसका मॉडल नंबर है 055। ये है ट्राईपॉड किट। इसमें 055 ट्राईपॉड है और थ्री वे हेड है। थ्री वे हेड जो होता है बेसिकली वो पैन टिल्ट हेड होता है और इससे आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, किसी भी एंगल में इसको टर्न कर सकते हैं। ये वीडियो हेड से थोड़ा सा अलग होता है। वीडियो हेड जैसे फ्लूइड हेड होता है उसमें सिर्फ पैन टिल्ट होती है, इसमें वर्टिकल मोड भी होता है, तो वो टू वे होता है, ये थ्री वे होता है। तो इस ट्राईपॉड्स की मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। ये इनका बेस्ट ट्राईपॉड है, मतलब टॉप मॉडल जिसे कह सकते हैं। और जो इसकी स्पेसिफिकेशंस है वो ये है, इसका खुद का वेट है 3.5 kg और जो पेलोड सपोर्ट करता है वो है 8 kg। तो इसका मतलब है काफ़ी स्टर्डी ट्राईपॉड है। इसमें आप हैवी से हैवी लेंस भी लगा सकते हैं और कैमरा लगा सकते हैं। और जो इसकी एक्सटेंडेड हाइट है वो है आपकी मैक्सिमम 183 cm, मतलब 6 फीट के आसपास। मटेरियल इसका एल्यूमिनियम है और ये थ्री सेक्शन है, तो इसमें मतलब कि दो लॉक्स होंगे तो थ्री सेक्शन इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर और वर्जन भी आते हैं इसके ऊपर, जो कार्बन फाइबर होगा, कार्बन फाइबर वाला और एक्सपेंसिव हो जाता है, उसके अंदर वेट थोड़ा सा कम हो जाता है, लाइट वेट, और स्ट्रेंथ और पेलोड बढ़ जाता है। लेकिन जो एलुमिनियम वर्जन है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, और बेस्ट सेलर इस टाइम यही है। इसे कह सकते हैं इनका जो बेस्ट सेलर ट्राईपॉड और टॉप मॉडल के अंदर। और जो मैनफ्रोटो ब्रांड है आपको पता ही है, इटली का ब्रांड है, तो इनकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी होती है। और जो क्वालिटी है वो हम क्वालिटी तो मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाई दूंगा कैसी है इसकी क्वालिटी। इसके अंदर जो वारंटी है 5 साल की वारंटी इंडिया में आती है, तो इससे भी पता चलता है कि भाई सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट है। यह हेड इस पर अटैच्ड है, थ्री वे हेड जो मैं आपको बता रहा था। बाकी इसके साथ इसकी क्विक रिलीज प्लेट होगी। मोनोपॉड्स का वीडियो तो मैंने एक बार पहले बनाया था, तो उसमें हमने सारे वीडियो मोनोपॉड्स कवर करे थे। ये प्राइमरली स्टिल फोटोग्राफी के लिए, कमर्शियल, जैसे आपको स्टूडियो में काम करना है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी या फैशन शूट, इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी यूनिक फीचर्स हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्टर्डी है। और अगर इसको आपको फुल एक्सटेंशन हाइट पे, पहले मैं दिखाता हूँ, लॉक इसके इजी टू ओपन है, बस उसके बाद अपने आप ही लेग स्लाइड हो जाती हैं लॉक खोलते ही। ये इसका जो मेन एडवांटेज यही है इसके लॉक्स की क्वालिटी, रफ एंड टफ चीज़ है। ये हो गया फुल एक्सटेंडेड हाइट इसकी, ये हो गई एक्सटेंडेड हाइट आपकी। अभी इसके अलावा सेंटर कॉलम को भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ से लूज करके, तो इसको मिला के 6 फीट जो कंपनी बोलती है 6 फीट इसको मिला के हो जाता है। ये हो गया आपका 6 फीट। तो ये तो हो गया इसका नॉर्मल पोजीशनिंग। इसके बाद इसके अंदर बाकी के फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर जो ये सेंटर कॉलम है टिल्टेबल है, नीचे से आप प्रेस करके इसको टिल्ट कर सकते हैं। ये हो गया टिल्ट। इससे आपको लो एंगल शूट में भी काम मिलेगा, मैक्रो शूट में काम मिलेगा, या आपको टेबल टॉप फोटोग्राफी करनी है, प्रोडक्ट शूट करना है, उस केस में भी, जैसे ये टेबल के ऊपर चला गया तो लेग्स आपकी दिखाई नहीं देंगी। हेड जो है, हेड को तो आप एडजस्ट कर ही सकते हैं, इसके दो लीवर्स हैं, इससे आपकी ये वाली एक्सिस एडजस्ट हो जाएगी वर्टिकल, और उसके लिए पोर्ट्रेट मोड के लिए या लैंडस्केप मोड के लिए, ये अप डाउन की जैसे हर उसमें होती है, इससे ऊपर नीचे हो जाता है। और बाकी अगर आपको रोटेट करना है, रोटेशन के लिए आप इसको लूज़ करके रोटेट कर ही सकते हैं, तो हर तरफ बेसिकली ये हेड घूम जाता है। तो ये इसका जो यूनिक फीचर है, ये हर ट्राईपॉड में नहीं होता आपका सेंटर कॉलम टिल्ट। तो वापस मैं ले आता हूँ इसको सेटिंग पे, थोड़ा सी जगह की कमी है। ये हो गया आपका वापस, वापस डालने के लिए वही रेड बटन को प्रेस करना पड़ेगा, ये उसके अंदर वापस घुस जाएगा। तो थ्री वे हेड जो है, इसको क्लोजली देखते हैं, इसमें यहाँ पे फ्रिक्शन कंट्रोल नॉब्स भी हैं, इस चीज़ का आप फ्रिक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, अप डाउन मूवमेंट का भी, और वट ये आपका लैंडस्केप और वो पोर्ट्रेट मोड के भी, यहाँ पे भी एक नॉब है कि आपको स्मूथ चाहिए या टाइट चाहिए। तो इससे आप जब फ्रेम करते हो, अपना कॉम्पोजिशन करते हो फोटो का, तो उस केस में आप और प्रिसाइसली कंट्रोल, जितना हार्ड होगा उतनी धीरे धीरे आपका चलेगा,
उतने तरीके से आप उसमें अपना फ्रेम सेट कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर जितना जैसे आप उतना आपको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हर ट्राईपॉड में ऑप्शन नहीं होता, उसमें नॉर्मली फिक्स्ड ही होता है। तो ये फ्रिक्शन कंट्रोल एक फीचर है, प्लस इसमें मार्किंग भी दे रखी है यहाँ पे पैनोरामा शॉट्स के लिए। और इसको भी, इसको आप लूज टाइट कर सकते हो, इसमें फ्रिक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, इससे भी अगर आप बेसिकली, अगर आप जितना टाइट रखोगे उतना हार्ड हो जाएगा, और लूज़ करोगे तो थोड़ा स्मूथ चलने लग जाता है। ये फ्लूड मोशन नहीं है लेकिन डिसेंट है, थोड़ा बहुत इससे आप वीडियो कर सकते हो, लेकिन प्राइमरली स्टील के लिए ही बना है। और इस चीज़ को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, इसकी रॉड्स को, ये एक्सटेंडेबल है, जैसे उससे आपको बेटर ग्रिप मिलेगी। बस तो आपको पुल करना है। और ये वर्टिकल शूटिंग के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें यहाँ पे बबल लेवल दे ही रखे हैं। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट चाहिए तो आप तीनों बबल लेवल्स को देखोगे, उसके हिसाब से अपने हेड की पोजीशनिंग को सेट कर लोगे, जिससे आपकी परफेक्ट फ़ोटो आएगी वर्टिकल शूट के अंदर। ऐसे लैंडस्केप में भी बबल लेवल काम आएंगे। और इसके अंदर जो क्विक रिलीज प्लेट है वो अलग से दी गई है, तो वो कैमरे पे आपको लगाना है। तो जैसे हर ट्राईपॉड में होती है तेरी क्विक रिलीज प्लेट, ये प्लेट है इसकी, इसमें सिक्के की ज़रूरत नहीं है, ये आपका ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है टाइट करने के लिए कैमरे का। और इसको बस रख के आपको टाइट प्रेस करना है तो वो घुस जाएगी। तो प्लेट लगाने के लिए पहले आपको इसको एक साइड से डालना है, फिर इसके लिए यहाँ पे एक ये बटन दिया गया है, उससे एडजस्ट करके जब भी फिट हो जाए फिर आप इसको प्रेस कर देंगे, फिर ये पूरी आपकी लॉक हो जाएगी। अभी कहीं पे भी स्टडी, आप किसी भी एंगल में कैमरे को ले जा सकते हैं, गिरने का कोई रिस्क नहीं है। निकालने के लिए भी आपको बस इसी बटन को प्रेस करना है, फिर फ्री हो जाएगी प्लेट और आप उसको ईजिली निकाल सकते हैं। तो ये इसका पेटेंटेड डिज़ाइन है, और किसी ट्राईपॉड में ऐसा मैकेनिज्म अभी तक नहीं आया। तो ये हो गया आपका क्विक रिलीज प्लेट। और इसके अलावा जो सेंटर कॉलम का मैंने आपको दिखाई दिया, हेड का तो मोस्टली कवर हो ही गया। अब इसकी लेग्स की और बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक थ्रेड दे रखा है, अगर आपको कोई और एक्सेसरीज माउंट करनी है, जैसे मैजिक आर्म वगैरह, स्क्रीन वगैरह कुछ लगानी है, तो इस पर आप थ्रेड पे आप लगा सकते हो, तो उस पर एक्सेसरीज और लग जाएंगी। और प्लस इसके अंदर लो एंगल पे जाने के लिए आप इनकी लेग्स को टिल्ट कर सकते हो। उसके लिए पहले हम ट्राईपॉड को मिनिमम हाइट पे ले जाएंगे। ये हो गया आपका फोल्ड। अब इसके, अगर आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना है तो ये बटन्स दे रखे हैं, इस बटन को आप प्रेस करोगे उसके बाद लेग आपकी और ऊपर चली जाएगी, तो इसको आप इधर तक ऊपर ले जा सकते हो फ्लैट करके। तीनों लेग्स के अंदर ये ऑप्शन है, आप इसको बिल्कुल फ्लैट कर सकते हो नीचे तक। ये हो गया। इसके बाद जैसे आपका सेंटर कॉलम टच हो रहा है तो आप उसको निकाल सकते हो, जैसे हमने पहले निकाला था, फिर वो टिल्ट हो जाएगा, बिल्कुल आपको वो ग्राउंड लेवल शूट मिल जाएगा। इसके बाद आप अपना फ्रेम सेट कर सकते हो कि हेड पूरा आपका कंट्रोलेबल है, फिर आप हेड से जैसा मर्जी फ्रेम कर सकते हो। अगर ज़मीन पे कुछ चीज़ पड़ी तो ज़मीन पे भी कर सकते हो, नीचे की तरफ वर्टिकल करना है वर्टिकल कर लो, सामने करना है सामने कर लो, क्योंकि पूरा रोटेटेबल मैकेनिज़म है। तो ये आपका ग्राउंड लेवल तक भी चला जाएगा। एक ये यूनिक फीचर है इसका जो हर ट्राईपॉड में नहीं होता, बाकी स्टोरेज प्रॉपर है, 8 kg पेलोड इसमें चला जाएगा पूरा। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। प्राइसिंग इसकी वैसे काफ़ी ज़्यादा होती है, नॉर्मली इसका प्राइस होता है 25,000, अभी इस पर ऑफ़र चल रहा है और कंपनी ने इसका प्राइस ड्रॉप करा है। इसका प्राइस इस टाइम चल रहा है 21,000 विद हेड। तो अगर आपको लेना है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गैलेक्सी फोटो स्टोर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।